गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सारे बच्चे कॉपी और पेंसिल लेकर बैठो, आज टेस्ट होगा। सारे बच्चे कॉपी और पेंसिल लेकर बैठो, टेस्ट होगा। ऑल ऑफ यू टेक योर कॉपी एंड पेंसिल। सारे बच्चे कॉपी और पेंसिल लेकर बैठो। सभी बच्चे कॉपी और पेंसिल ले लो। कॉपी और पेंसिल लेकर बैठो सभी। आरव कुमार वर्मन अनम्यूट हो जाओ। यस सर। ये आवाज आ रही है। यस सर। सभी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठो। ऑल ऑफ यू हैव टू टेक योर कॉपी एंड पेंसिल्स एंड एवरीवन। टुडे यू हैव टेस्ट ऑफ चैप्टर 4। और पहले यहाँ समझ लो टेस्ट किस तरह से देना है, ठीक है? स्नेहा कुमारी अनम्यूट हो जाओ। तो स्क्रीन पर लेकर आते हैं सभी को और समझाते हैं टेस्ट किस तरह से देना, ठीक है? तो पहले देखकर समझ लो कि किस तरह से करना है। अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। इसका लिंक हम जब सेंड करेंगे तभी टेस्ट शुरू करना है।
लिंक सेंड करेंगे, उसको बस क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ देख रहे हो ये एरो है, ठीक है, ये एरो है और ये क्वेश्चन है हु सेड सो राइट द नेम्स, तो किसने क्या कहा का नाम लिखना है। तो करना क्या है, पहले स्पिन जो लिखा हुआ है स्पिन इट, पहले इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस एरो के सामने जो भी क्वेश्चन आकर रुकेगा उसका आंसर लिखना है कॉपी में, जब मैं ये लिंक सेंड करूंगा तब। अभी नहीं, अभी पहले समझो और यहां देखो, ठीक है। सारे बच्चे पहले अभी यहां समझ लो, उसके बाद करना है। ये जो एरो है, इस एरो के सामने जो भी क्वेश्चन रुकेगा यहाँ स्पिन करने के बाद, स्पिन मतलब घुमाना, तो जैसे कि यहाँ देखो मैं स्पिन पर क्लिक कर रहा हूं, तो देखो ये एरो है, ये एरो है। अब इस एरो के सामने कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आकर रुका है। नाउ माई हेड हर्ट्स, हर्ट्स के स्पेलिंग में यहाँ आर छूट गया है, तो घबराने का बात नहीं है, ये हर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। हर्ट्स के जगह यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। नाउ माई हेड हर्ट्स अ लिटिल लेस, हु सेड, ये किसने बोला, तो उसका आंसर लिखना है कॉपी में। कॉपी में ये क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। ये क्वेश्चन बताना है, नाउ माई हेड हर्ट्स, हर्ट्स का स्पेलिंग एच यू आर टी एस लिखना है। और जब इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है, ये उतारना है पूरा। नाउ माई हेड हर्ट्स ए लिटिल लेस, और जब इस क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों, तब एलिमिनेट पर क्लिक करना है। यहाँ एलिमिनेट है, एलिमिनेट पर क्लिक करेंगे, तो एलिमिनेट पर क्लिक करते हैं, तो जिस क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे वो क्वेश्चन फिर हट जाएगा। अब फिर यहाँ स्पिन करना है, और फिर इस एरो के सामने जो भी क्वेश्चन आकर रुकेगा इसको कॉपी में लिखना है। Do you think the birds flew away with the peas? ये किसने बोला, Who said? तो इसका आंसर लिखना है कॉपी में, क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। You have to write question as well as answer also. Okay. After writing your question answer in your copy, then you have to click on eliminate. कॉपी में क्वेश्चन और आंसर लिखने के बाद फिर एलिमिनेट पर क्लिक करना है। इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता चला जाएगा। फिर स्पिन करेंगे, अब इस एरो के सामने, यहां जो एरो देख रहे हो, इन फ्रंट ऑफ दिस एरो यू हैव दिस क्वेश्चन, ए पीस ऑफ द स्काई फेल ऑन माई हेड Hurts. Here I have written hurts spelling wrong. But in the first question, there was some mistake in spelling of hurts. Only R, letter R is missing. So hurts kaise nahi hai? To ye question likhna hai, answer likhna hai, fir eliminate par click karna. Fir spin par click karenge. Now, in front of this arrow, you have another question. Let me cover my head with these shoes. Who said so? अब इस एरो के सामने ये क्वेश्चन है, किसने क्या कहा? ये क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है कॉपी में, और उसके बाद एलिमिनेट पर क्लिक करना है।
फिर ये क्वेश्चन भी गायब हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन में एलिमिनेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो भी लिखा है इस एरो के सामने नहीं भी आएगा तो भी उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो बचेगा, लास्ट क्वेश्चन जो भी बच जाएगा उसमें स्पिन करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर कॉपी में लिख देना, ठीक है। बात समझ में आई? अगर अब बात समझ में आ गई है तो मैं कैंपस केयर में लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है, कैंपस केयर में। आरव कुमार बर्मन हाथ उठाकर बताओ, पहले मेरी आवाज आ रही है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना, ठीक है, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ कैंपस केयर में लिंक सेंड कर रहा हूँ, देखो, और उसके बाद तुम लोग आंसर करना है। कैंपस केयर में जहां होमवर्क दिया करते हैं वहां ये लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा अभी दो मिनट के अंदर। अभी दो मिनट के अंदर कैंपस केयर पर लिंक चला जाएगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे और जूम के चैट बॉक्स में भी। फिर इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का आंसर करना है अच्छी तरह से, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है सभी को। कैंपस केयर में जहाँ होमवर्क देते हैं वहां चेक करना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ क्लिक दिस लिंक। अब कैंपस केयर में तुम लोगों को मिल जाएगा, मैंने सेंड कर दिया है, इट्स अपलोडिंग, अपलोड कर दिया है, मतलब सेंड कर दिए, वो अपलोड हो रहा है। कैंपस केयर में अब जा चुका है, सारे बच्चे अपना अपना कैंपस केयर खोल करके देख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी सेंड कर देते हैं। व्हाट्सएप पर जो 2D का ग्रुप है ताकि वहां भी मिल जाए सभी को। तो व्हाट्सएप में भी सेंड कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं स्क्रीन पर, मैंने व्हाट्सएप में सेंड कर दिया, कैंपस केयर में सेंड कर दिया,
आप जूम का जो चैट बॉक्स है वहां भी मैंने सेंड कर दिया है, सारे बच्चे जूम का चैट बॉक्स देख सकते हैं। ये टेस्ट का लिंक मैंने सभी जगह दे दिया है, अब सारे बच्चे इस टेस्ट को दो कॉपी में और कॉपी के ऊपर अपना नाम जरूर लिख देना, ठीक है। और जैसे ही टेस्ट पूरा होगा उसका फोटो खींचकर मुझे सेंड कर देना। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो कैंपस केयर से लो, जो कैंपस केयर भी ओपन करने में प्रॉब्लम हो रहा है और व्हाट्सएप में भी नहीं देख सकते तो जूम के चैट बॉक्स से ले लो और आंसर लिखना शुरू करो जितने भी बच्चे हो, ठीक है। सानवी अनम्यूट हो जाओ तो। ओके सर। तो लिंक मिल गया तुमको? ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेस्ट दो, ठीक है। जैसे मैंने समझाया अभी वैसे ही देना, जो मैंने समझाया समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, टेस्ट दो अच्छी तरह से। जिस बच्चे का हो जाएगा वो कॉपी व्हाट्सएप पर सेंड कर देना फोटो खींचकर आंसर। ठीक है शिवम, कोई प्रॉब्लम? शिवम मिल गया लिंक, पहले ये बताओ। नो सर। कैंपस केयर खोलना जानते हैं कि नहीं? कैंपस केयर से लो, जूम के चैट बॉक्स से लो, कहीं से भी ले लो। आंसर आना शुरू हो गया है तो मैं आंसर दिखाता हूँ। आंसर आना शुरू हो गया, वीरेन कुमार बर्मन ने सेंड किया है, तो वीरेन कुमार बर्मन का कॉपी दिखाते हैं। ये रहा वीरेन कुमार बर्मन का कॉपी पहले। अच्छा हम बोले थे क्वेश्चन भी लिखना आंसर भी लिखना, नहीं समझ में आया? ये वाला टेस्ट में क्वेश्चन भी लिखना आंसर भी लिखना, कितना बार बोले क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखो। इस वाले टेस्ट में क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो फिर सेंड करो। इस वाले टेस्ट में क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। इस वाले टेस्ट में क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो। तनुराज कोई प्रॉब्लम? इस वाले टेस्ट में सभी को क्वेश्चन भी लिखना है आंसर भी लिखना है। प्रियांशु चौबे ने भेजा है, अच्छा उसका देखते हैं।
अरे क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखो, इतना बोल रहे नहीं समझ में आ रहा। आंसर नहीं, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखो, तभी मुझे पता चलेगा ये बारे। इस टेस्ट का क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है। You have to write question and answer both. Do you think the birds flew away with the piece? I think it was this mango that fell on your head, Aditi's mother. A piece of the sky fell on my head hurts, Aditi. Now my head hurts. A little less, Aditi. Let me cover my head with these shoes and take it. Arnav Singh ka sara answer theek hai. Good. Aur writing sabhi saaf saaf likhoge. Handwriting jiska ganda hoga usko copy mein check nahi karenge. Handwriting jiska ganda hoga uska copy check nahi hoga. No, my head hurts a little less, Aditi. Do you think? Yeah, now का spelling भी wrong है, N-O-W होगा. Do you think the birds flew away with the piece? A piece of the sky fell on my head. Let cover my head. I think it was the mango that fell on Aditi. One is spelling mistake. शिवम चौधरी में एक स्पेलिंग मिस्टेक निकल गया, ठीक है। निधि झा का देखते हैं। निधि झा, नो माई हेड हर्ट्स अ लिटिल लेस, अदिति ठीक है। लेट मी कवर माई हेड विद दीज शूज, जैन। डू यू थिंक द बर्ड्स फ्लू अवे विद द पीस, दीप, ए पीस ऑफ द स्काई फेल ऑन माई हेड हर्ट्स, अदिति। आई थिंक अदिति'ज मदर, ठीक है, गुड। लक्ष्य राज, अब लक्ष्य राज की कॉपी देखते हैं। डू यू थिंक द बर्ड्स फ्लू अवे विद द पीस ऑफ द A piece of the scarf fell on my head, Aditi. Let me cover my head. इसमें कुछ डाउट लग रहा है। चलो ठीक ही है, देख लिए। अदिति'ज मदर, आई थिंक नाउ माय हेड हर्ट्स अ लिटिल लेस, अदिति। ओके गुड, सारा आंसर ठीक है ये वाला।
आदित्य कुमार का देखते हैं। आदित्य कुमार, do you think the birds flew away with the peace? Let me cover my head with these shoes, Zan. I think it was a mango that fell on my head, Aditi's mother. A piece of the scarf fell on my head. My head hurts, Aditi. Now my head hurts a little less, Aditi. Okay, correct. सानवी का देखते हैं। Let me cover my shoes, Zen. Okay. Do you think the birds will be okay? Now my hair is little less. Aditi, a piece of the scarf on my head. Aditi and Aditi's mother. Okay. Correct. Good. Brain Kumar Varman का copy आया है, फिर से दोबारा देखते हैं। Let me cover my head with these shoes and piece of the scarf fell on my head. It hurts, Aditi. Now my head hurts a little less, Aditi. I think it was this mango that fell on your head, mother. Do you think the birds flew away? Ab theek hai. Ab tumhara answer theek hua, Viren Kumar Varman. Aur writing bhi theek hai, isliye good milega. अब प्रत्युषा को देखते हैं। अभी तुरंत भेजी है प्रत्युषा। A piece of the scarf fell on my head. My head hurts, Aditi. Now my head hurts little less, Aditi. Okay. What do you think the birds flew away? नहीं, ये wrong हो गया। What do you think the birds flew away with the piece? Cover my head with them. I think it was mango that fell on your head, mother. What do you think the birds flew away with the piece? ये वाला wrong है। One answer wrong. प्रतुष राज का एक answer wrong. अब कुछ नहीं लिखो वीरेन कुमार वर्मन, बार बार मैसेज नहीं करना। एक बार हो गया। आरोही का देखते हैं। Do you think the bird flew away with the piece? Deep, ठीक है। I think it was this mango, Aditi's mother. Now my head hurts little less, Aditi. A piece of the scarf fell on my head. My head hurts, Aditi. Let me cover Zen. ठीक है, सारा आंसर ठीक है, सिर्फ Zen का स्पेलिंग कैपिटल्स होना चाहिए। Zen, you have to. Zen, you have to write. किसी का भी नाम कैपिटल से होता है, ठीक है। Zen, you have to write in capital. बाकी सारा आंसर ठीक है। आरोही, श्रेया गुप्ता का देखते हैं। I think it was mango fell that on head. Aditi's mother, ठीक है। Had little less, Aditi. A piece of the sky. नहीं, ये wrong हो गया। A piece of the sky flew on my head. A piece of the sky fell on my head. My head hurts, Aditi. नहीं, ठीक है।
यू थिंक दर्शला विदीप एंड जैन ठीक है करेक्ट ओमकार का देखते हैं A piece of the sky fell on my head. My head hurts, Aditi. Now my head hurts, Achal Aditi. Let me cover my head with this exam. Do you think the birds love deep? And Aditi's mother. Okay, correct. Lekin handwriting improve karna hai. Jayas Gupta ka dekhte hain. Jayas Gupta ka. Do you think the birds flew away with the deep, with the peace deep? Okay, now my head hurts a little less, Aditi. Let me call my Zan, and it was member from that. Okay, correct. All correct. Priyanshu Chauve ने फिर से send किया अभी तो उसका check किए थे ना अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा था अब क्वेश्चन लिख करके सेंड किया ठीक है आई थिंक इट वॉज द मैंगो दैट फेल ऑन योर हेड ये रॉन्ग हो गया यहाँ आदिति'स मदर होगा फर्स्ट वाला रॉन्ग है पीस ऑफ द स्काई फेल ऑन माय हेड आदिति नाउ माय हेड हर्ट्स अ लिटिल लेस आदिति डू यू थिंक डीप फर्स्ट वन इज रॉन्ग ओके फर्स्ट वन इज रॉन्ग समर का देखते हैं समर ने ये किस तरह से लिखा ये मैथ्स के कॉपी में ये क्या भेज दिया समर आदर्श कुमार का देखते हैं A piece of sky fell on my head. My head hurts. Aditi, do you think the birds flew deep? Let me cover my head, Zan. I think it was Aditi's mother and Aditi. Okay. All correct. Good. अब उसके बाद देखते हैं आदित्य राज का कॉपी हर एक बच्चे का चेक होगा हर एक बच्चे का आदित्य राज लेट मी कवर माय हेड विद दी शूज एंड नाउ माय हेड हर्ट्स लिटिल लेट आदिति डू यू थिंक आदिति डीप ए पीस ऑफ द स्काई फेल ऑन माय हेड आदिति वेरी गुड करेक्ट है सारा आंसर आदित्य राज का आंसर करेक्ट है अब उसके बाद प्रियांशी का देखते हैं Now my head hurts a little less, Aditi. Do you think the birds flew away with the peace deep? And let me cover Zen. A piece of the sky fell on my head. My head hurts a little, Aditi. I think it was the mango that fell on your head, Aditi. प्रियांशी का सारा आंसर सही है लेकिन साथ में इसका हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छा है इसे वेरी गुड मिलेगा वेरी गुड जिसे मिला वो आज का विनर प्रियांशी का हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा है तो जितने को वेरी गुड मिलेगा वो विनर होगा हैंडराइटिंग कैसा है You need a little bit improvement. आर्श सिन्हा का देखते हैं A
A piece of the scaffolding made, Aditi, do you think that works for deep? And now my head, Aditi, let me cover my okay. Good. कोई अगर कुछ भी इस तरह से जेड से लिख रहे हो तो ब्लॉक करेंगे, क्लास से बाहर करेंगे.